हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही हो तो फटाफट कमेंट करके मुझे एक बार बता दो सभी लोग, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है। और सभी लोग जो है सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ आ चुके हैं, पवन आ चुकी हैं, दिव्या आ चुके हैं, प्राची आ चुकी हैं, निशु आ चुके हैं, दीपू, प्राची, सभी लोगों कैसे हो आप लोग भाई। लाइक जरूर कर दो सेशन को, क्लास करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। आवाज मेरी आ रही है सभी तक, बताओ बेटा लोग। पवन पढ़ाई पर ध्यान दो। अच्छा पवन भाई, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे आजकल, है तुम्हारी शिकायतें मिल रही हैं आजकल, क्या बात है, मन लग नहीं रहा है आजकल आपका। चलो तो मेरी आवाज, मन लग नहीं रहा है आजकल आप। एक मिनट, ठीक है, आवाज आ रही है मेरी सभी को? ओके, एक मिनट जरा मैं अपना फोन लगा लूं, पता पड़े ऑफ ही हो जाए। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो हेलो हेलो, बताओ जरा क्या आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो भैया, आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बता दो पहले। ऑल ओके, आ रहा है, चलो तब मतलब बड़ी समस्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, नहीं तो मैं, मुझे लग रहा था कि आवाज तो आ ही नहीं रहा है। ओके स्टार्ट करते हैं क्लास को, इसको सामने रख लेता हूं ताकि आपका कमेंट पढ़ता चलूं। यहां रख लेता हूं, ठीक है। हाँ लाइव चल रहा है मनोज शर्मा, क्लास जो है वो प्रॉपरली चल रही है और लाइव चल रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करें क्लास को सभी लोग। यस लेट्स स्टार्ट करते हैं। चलो भाई बज रहे हैं 9:35, टाइम कितना हो रहा है 9:35, क्लास चलेगी लगभग 1:30 या 1:20 के अराउंड। और हम क्या क्या पढ़ेंगे, जीएस का प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ेंगे एक, और साथ में स्टैटिक पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें पढ़ने को है, बहुत कुछ बताने को है, बहुत कुछ कहने को है, बहुत कुछ दिल कर रहा है आपको बता दिया जाए और बहुत कुछ सुन लिया जाए, ठीक है। स्टार्ट करें क्लास को, चलो बेटा। तो देखो कुछ चीजें बता देता हूं, सबसे पहले आप जुड़े हुए हैं नॉलेज 365 चैनल से या पार्ट ऑफ अन एकेडमी, ये जीएस का कंप्लीट डोज देता है आपको, हर एक चीज बताएंगे आपको, करंट अफेयर, साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैंने बीटेक किया बीटेक कानपुर से, सीजीएस 17-18 का टायर 3 दिया है, रेलवे एनटीपीसी सॉरी यूपीपीसीएस लोअर और आईबी कंट्री भी दिया है, 6 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, बाकी बच्चे जानते हैं सब कुछ, क्या क्या बार बार बताऊं, ठीक है। तो आपको क्या क्या मिलेगा अगर आप हमारे कोर्स को चूज करते हैं, डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे आपको, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलेंगे आपको, स्ट्रक्चर्स कोर्स मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी। मतलब अगर आप कोर्स खरीदते हैं, सबसे पहले खरीदने के लिए करना क्या है, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आगे जाएंगे तो गेट सब्सक्रिप्शन का बटन मिलेगा आपको, इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका विंडो कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। इस विंडो में अपने हिसाब से आप कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं, मेरे हिसाब से 12 महीने और 14 महीने का प्लान सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि काफी सस्ता पड़ेगा आपको, 500 रुपए और 300 रुपए पर महीने के हिसाब से। मस्त लग रहा हूं ना, थैंक यू, बहुत बढ़िया, अमेजिंग लगता हूं मैं हमेशा, जब पैदा हुआ था तब भी अमेजिंग लग रहा था, थोड़ा बस कमजोर था, बाद में दूध वूध पी के एकदम परफेक्ट हो गया। तो 6480 का पड़ेगा अगर आप योगेंद्र अप्लाई करते हैं, जो कि 10% का डिस्काउंट आपको देगा। बाकी मैं अपना नंबर लिख देता हूं 8574229102, किसी भी तरीके कोर्स को खरीदने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अच्छा फायदा हो जाएगा आपको, ठीक है। स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलो तो पहला क्वेश्चन आज के सेशन का मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो क्रोकोडाइल के मुंह में जाकर, समझना ध्यान से, ऐसा कौन सा पक्षी है जो क्रोकोडाइल के मुंह में जाकर, है ना, वहां से जो खाद मटेरियल है, जो सड़ा हुआ भोजन है, उसको चुनता है और बाहर आ जाता है, और ये इतना फास्ट होता है कि मगरमच्छ कभी भी इसे आज तक खा नहीं पाया है। आपको उस पक्षी का नाम बताना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्लास को। द फर्टाइल रिवरलाइन एलुवियल सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर प्रोड्यूसिंग विच, मतलब जो उर्वरक नदी की जलोढ़ मिट्टी होती है उनमें से किसकी खेती सबसे बढ़िया मानी जाती है। एक बच्चा है जिसने आंसर दिया है और उसका नाम मैं पढ़ देता हूं, उसका नाम है ऋषभ कुमार। अब ऋषभ कुमार सही है या नहीं है ये तो हम आपको क्लास के लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर मैं जलोढ़ मिट्टी की बात करूं,
किसकी बात कर लेते हैं, जलोढ़ मिट्टी की। तो जलोढ़ मिट्टी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है, जो कि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी होती है। अब जब नदियों के द्वारा मिट्टी आती है तो ये दो प्रकार की होती है, एक मिट्टी को हम कहते हैं खादर और एक मिट्टी को हम कहते हैं बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं नई मिट्टी, और अगर हम बांगर मिट्टी की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, पुरानी मिट्टी। अगर हम जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो इसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है पोटेशियम, लेकिन कम मात्रा किसकी होती है, कम मात्रा होती है नाइट्रोजन फॉस्फोरस, किसकी होती है नाइट्रोजन फॉस्फोरस और ह्यूमस की, इसकी मात्रा कम होती है। इसमें कौन कौन सी खेती की जाती है, तो इसमें धान किया जाता है, इसमें धान किया जाता है, गेहूं किया जाता है, इसके साथ साथ में मक्का किया जाता है, और क्या क्या किया जाता है, इसके साथ साथ में आलू भी बोया जाता है। मतलब उत्तरी मैदान में जो फसल बोई जाती है वो सारी फसलें आप काउंट कर लो। अब इसमें तो धान कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो बेटा धान को ही चावल कहते हैं, धान और चावल एक ही बात है। राइट आंसर क्या बनेगा, पहला आंसर सही बन जाएगा। क्लियर इंग्लिश में प्लीज? तो बेटा इंग्लिश में भी इसे क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल मिट्टी कहते हैं। तो जलोढ़ की अगर हम बात करें तो इसे क्या कहते हैं, एलुवियल मिट्टी कहते हैं। ठीक है, समझ गए? यस, बांगर और खादर। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं? अब मुझे एक चीज बताइएगा कि स्टडी ऑफ सॉइल को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ सॉइल को क्या कहा जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि जो कॉटन होता है, जो कपास होता है, वो किस तरीके की मिट्टी में किया जाता है, कपास के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सी है, और स्टडी सॉइल की स्टडी को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2020 के हैं। तो 2020 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सॉइल के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी। क्लियर है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई कपास, जो कॉटन होता है, जो कपास होता है, उसके लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, सबसे बेस्ट होती है। तो ये जो मिट्टी है इसे हम कहते हैं काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है, काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास सबसे ज्यादा उगाया जाता है, सबसे ज्यादा उगता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल की अगर हम बात करें तो बेटा पाया जाता है महाराष्ट्र के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में। आपने देखा होगा कि एक बूढ़ा सा किसान जो है वो आसमान की तरफ देख रहा है और नीचे जमीन फटी हुई है, वो कौन सी मिट्टी है बेटा, काली मिट्टी। अब ये जमीन फटती क्यों है, क्योंकि काली मिट्टी एक प्रॉपर्टी होती है कि काली मिट्टी पानी को ज्यादा ग्रैप कर लेती है, लेकिन जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो उसमें दरारें पड़ जाती है। ये भी आपको याद रखना है कि काली मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जिसमें दरारें पड़ जाती है। तो ये विदर्भ की बात हो रही है, महाराष्ट्र का एक विदर्भ का क्षेत्र है जहां पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम साफ और क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हम बताते चलेंगे, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द नेशनल वर्ड ऑफ भूटान। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा, मैगपाई होगा, पैरट होगा, पीकॉक होगा, या फिर रेवन होगा। ये क्वेश्चन और भी ज्यादा पूछा जाता है, वाटर रिटेन कैपेसिटी होता है। बिल्कुल सही लिख रही है अनामिका पाठक, बिल्कुल सही लिख रहे हैं। गिरीश चौधरी लिख रहे हैं काली मिट्टी, तान्या लिख रही है, अनामिका लिख रही है, ऋषभ लिख रहे हैं, बहुत सही बच्चों, फटाफट लिखते चलो। पवन आंसर दे दिया, पवन कह रहे हैं इसका आंसर डी होगा, दूसरे का। देखो अगर मैं भूटान की बात करूं, भूटान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो कार्बन नेगेटिव है। कार्बन नेगेटिव का मतलब होता है जो कार्बन ज्यादा कम निकालता है और ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बन नेगेटिव। अगर हम यहाँ की भाषा की बात करें तो भाषा क्या है, डोंगखा। डोंगखा मतलब जोंगखा, डी यहाँ पे है और इसे डोंग जोंगखा बोलेंगे, ठीक है। ये यहाँ की भाषा है। कैपिटल क्या है, थिम्पू है, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं करेंसी की बात करूं, करेंसी क्या है, तो नगल ड्रम है। कौन सी है, नगल ड्रम है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, वर्ड अगर यहाँ के पक्षी की बात करूं भाई, नेशनल वर्ड क्या है, तो वो है रेवन। कौन सा है, रेवन है। अब मुझे जरा ये बताइए कि यहाँ पर भूटान में कुल कितने प्रांत हैं। अगेन एक क्वेश्चन जो पूछा गया, मतलब कुल कितने प्रोविनेंस हैं, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। भूटान में कुल कितने प्रांत हैं, तो भूटान में कुल कितने प्रांत है बेटा, टोटल 9 प्रांत है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, बहुत ही बढ़िया, बताइए फटाफट भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। और भूटान के प्रधानमंत्री का नाम है लोटे टेशरिंग। क्या है, लोटे टेशरिंग। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि भूटान एक अकेला देश है पूरे विश्व में जिसने अपने संविधान में ये लिख रखा है कि उनके देश का 75% एरिया, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से 75% एरिया वनों को रिजर्व कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर आप बस नहीं सकते, एंड दिस इज द रीजन कि वो सबसे बढ़िया। नेपाल में 7 प्रांत है, हाँ 7 नेपाल में शांत है। तान्या बिल्कुल सही बोल रही है, तुम्हें याद हो रहा है, ये चीज अच्छी है। नेपाल में शांत है, श्रीलंका में 9 है, भूटान में 9, बिल्कुल सही है। तो भूटान में कुल कितने प्रांत हैं, 9 प्रांत है। राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी।
तीरंदाजी, ये यहाँ का राष्ट्रीय खेल है, आर्चरी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिपाही मुटनी इन द इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम, मतलब जो भारत का सिपाही विद्रोह है वो कहां से शुरुआत हुआ था। अब देखो हुआ क्या था, जैसे आज के जमाने में व्हाट्सएप मैसेज होते हैं, इसी तरीके से उस टाइम के जमाने में व्हाट्सएप मैसेज हुआ करते थे। एक खबर फैलती है कि जो नए कारतूस बने हैं उनमें चर्बी लगी हुई है गाय की, किसकी चर्बी, गाय की। ऐसे केसेस में कि जो ब्राह्मण जो सिपाही थे उनके दिमाग में ये बात चली गई कि भाई हो सकता है कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मंगल पांडे। तो 29 मार्च, कब की बात है, 29 मार्च 1857 के दिन मंगल पांडे ने ये चर्बी वाले कारतूस चलाने से मना कर दिया। जब उनके सीनियर सिपाही ने इसका विरोध किया तो उन्होंने अपने कैप्टन की हत्या कर दी, अपने कैप्टन पर गोली चला दी। और ऐसे केसेस में जब कैप्टन पर गोली चलाई तो उनको कुछ दिन के बाद, कब कितने दिन के बाद, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। जब फांसी इनको दी गई तो वहां के जो बाकी सैनिक थे उनमें असंतोष फैल गया और उन्होंने मान लिया कि अब यहां से अंग्रेजों को हटाना है, और इसे हम कहते हैं सिपाही विद्रोह। कब की बात चल रही है, 10 मई 1857 के दिन सारे सिपाही इकट्ठे होते हैं। कौन सी इन्फेंट्री थी, 20th इन्फेंट्री थी, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही जो है वो इकट्ठे होते हैं, और कहाँ की बात हो रही है, मेरठ की बात हो रही है, और धावा बोल देते हैं शस्त्रागार पे। शस्त्रागार मतलब जहां पर बहुत सारे हथियार इकट्ठे होते हैं, हथियारों को लूट लिया जाता है और निकल पड़ते हैं आगरा। आगरा क्यों, क्योंकि वहां पर मुगल सुल्तान था, मुगल सुल्तान को राजा बनाकर। सर जी ब्लैक स्क्रीन हो गया, मैं कह रहा हूं भाई ब्लैक स्क्रीन तो नहीं हुआ, स्क्रीन तो एकदम व्हाइट चल रहा है। बताओ बच्चों क्या मेरा स्क्रीन एकदम सही चल रहा है, क्या स्क्रीन ब्लैक हो गया है क्या? सर चंपारण से क्या स्टार्ट हुआ था, सानिया से नहीं है बेटा, चंपारण से स्टार्ट हुआ था, चंपारण का सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा। ये तीन कटिया प्रथा चलती थी बिहार में, जहां पे तीन भाग पर उगानी रहती थी क्या, नील की खेती, जो किसानों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, इसीलिए चंपारण का सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। तो 10 मई 1857 को 20वीं इन्फेंट्री के द्वारा मेरठ में जो है वो सिपाही विद्रोह हुआ था। आगे चले, चलो बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताओ फिर सर। सब ओके ओके, बिल्कुल सर सब कुछ ओके ओके चल रहा है, ओके 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 ओके। तो बेटा गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनन, और इसने ही बड़े अच्छे तरीके से 1857 के विद्रोह को दबा दिया था। और जब 1857 के विद्रोह को दबा दिया तो लॉर्ड कैनन को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया अंडर द क्राउन। अंडर द क्राउन का मतलब, क्योंकि 1857 के बाद में जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर क्राउन के हाथों में चला गया था। क्लियर है, आगे चलें बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द इंडियन आर्मी चीफ एट द टाइम ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। आपको बताना है कि जब 1971 में 1971 में बांग्लादेश को मुक्ति मिली थी तो भारत का गवर्नर जनरल या भारत का प्रमुख सेना प्रमुख कौन था जिसने इस वॉर में पार्टिसिपेट किया और लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया। अब इसके बाद में स्टार्ट होता है एक सरेंडर की ट्रीटी जिसमें पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर कर देते हैं और फिर एक नए देश का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है बांग्लादेश। इसकी प्राइम मिनिस्टर भी कौन है, शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, और बांग्लादेश हमेशा से भारत का मित्र देश माना जाता था और इसकी पाकिस्तान से हमेशा दुश्मनी रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने हजारों लाखों बांग्लादेशियों को मौत के घाट उतार दिया था। राइट आंसर क्या बनेगा, सैम मैनेकशॉ इज द राइट आंसर, तीसरा आंसर सही है। वो महान वीर व्यक्ति का नाम क्या था, सैम मैनेकशॉ, जिन्होंने लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया था, ठीक है। यस, चौथी का आंसर सही है, बिल्कुल सही आंसर है, एकदम सही आंसर है। अब मुझे कोई बच्चा ये बताएगा कि बांग्लादेश के बारे में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, बांग्लादेश के बारे में आपको क्या क्या पता है, फटाफट लिखते चलिए। बांग्लादेश के बारे में आपको क्या क्या पता है, बांग्लादेश की तीन मेजर नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, सबसे पहली है जमुना,
दूसरी कौन सी है? दूसरी है पद्मा, और तीसरी कौन सी है? तीसरी है मेघना, है ना। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीन बड़ी बड़ी नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? जमुना है, पद्मा है, मेघना है। जमुना किसे कहते हैं? जमुना एक्चुअली में ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। यहाँ की अगर हम पद्मा नदी की बात करें तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। और मेघना क्या है? जमुना और पद्मा मिलकर जो नदी बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? मेघना। यहाँ का राष्ट्रीय गान क्या है बेटा? यहाँ का राष्ट्रीय गान है अमार सुनार बंगला, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। बिल्कुल सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, बिल्कुल सही है। यहाँ की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। जातीय संसद यहाँ का है रॉयल बंगाल टाइगर। बिल्कुल सही लिख रहा है, यहाँ पे कौन लिख रहा है? ये ऋषभ कुमार लिख रहा है। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर। बहुत ही बढ़िया, रॉयल बंगाल टाइगर। मुद्रा क्या है यहाँ की? मुद्रा की अगर हम बात करें तो टका यहाँ की मुद्रा है। ये किसने लिखा है? राजकुमार चौधरी ने लिखा है। बहुत ही बढ़िया। सर लाइव वीडियो के बाद इस वीडियो को हटाओगे तो नहीं? ये वीडियो कभी नहीं हटेगा मनोज, ठीक है, हमेशा रहेगा। लेकिन वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाओ, क्योंकि दोबारा आप कभी नहीं देख पाओगे, ठीक है, दोबारा आप कभी नहीं देख पाओगे, याद है। चलो समझ गए। तो इतनी सारी चीजें बांग्लादेश के बारे में पता है। अब यहाँ का एक झंडा भी है। ये जो झंडा है दोस्त, ये झंडा सेंटर में रेड है और आसपास कैसा है? ग्रीन है। अब पूछा जाता है कि बांग्लादेश के झंडे में कुल कितने कलर हैं? बांग्लादेश के झंडे में कुल कितने कलर हैं? तो बेटा दो कलर है। कौन कौन सा है? एक तो ग्रीन है जो वहां की समृद्धि को दर्शाता है, और दूसरा है कैसा? रेड कलर है जो वहां के रिवोल्यूशनरी को दर्शाता है, क्रांतिकारियों की याद दिलाता है। तो दोनों कलर है, आप जरूर इन्हें याद रखिएगा। क्लियर है, आगे चलें। एक लेटेस्ट खबर बताता हूं मैं आज की। बांग्लादेश के एक मंदिर है जिसका नाम है श्री श्री काली देवी अमरमाटा मंदिर। इसका निर्माण कराया जा रहा है, इसको दोबारा बनवाया जा रहा है, कहां पे? बांग्लादेश में, ठीक है, आगे चलें। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिमांड फॉर द कमोडिटी और द सर्विस विच इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिमांड फॉर समथिंग एल्स इज कॉल्ड। आपको बताना है कि भाई उस वस्तु या सेवा की मांग जो किसी और चीज की मांग का परिणाम है उसे हम क्या कहते हैं। सपोज दैट आप गए, आप खरीद के लाए बढ़िया सा मोबाइल। कौन सा मोबाइल खरीद के लाए? नोकिया का मोबाइल आप खरीद के लाए। अब नोकिया का मोबाइल खरीदा, आपके दादाजी ने कहा कि बेटा हमें गाना सुनना है। अब गाना सुनना है नोकिया में, भाई कार्ड रीडर तो था नहीं। आप दोबारा गए और आप दुकान के पास गए, आपने कहा भैया 64 GB का कार्ड रीडर दे दो। तो भाई किस पे निर्भर कर रहे? अगर ये मोबाइल नहीं होता तो क्या आप 64 GB का कार्ड मांगते? आप बिल्कुल नहीं मांगते, आप तो कहते कि भाई हमें जरूरत ही नहीं है इसकी। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि नोकिया का चार्जर आपको चाहिए, क्यों चार्जर चाहिए? क्योंकि नोकिया का चार्जर आपका खो गया है। तो अगर आप नोकिया का फोन नहीं होता तो क्या आप चार्जर लेते? बिल्कुल नहीं लेते। तो ऐसी मांग को हम क्या कहते हैं? ऐसी मांग को हम कहते हैं ड्राइव्ड डिमांड। ऐसी डिमांड जो किसी दूसरे की डिमांड पर निर्भर करती है। अगर फोन नहीं होता तो क्या आप रिचार्ज कराते? आप बिल्कुल रिचार्ज नहीं कराते। तो जब फोन है तो रिचार्ज है, फोन है तो चार्जर है, फोन है तो 64 GB का कार्ड है। सब कुछ चीजें किसके कारण है? फोन के कारण है। ऐसी यूनिट को हम क्या कहते हैं? ड्राइव्ड डिमांड। ऐसी डिमांड जो किसी और वस्तु के ड्राइव्ड के कारण होती है, किसी और वस्तु से उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइव्ड डिमांड। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, हर एक चीज साफ साफ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस। हरनारायण गोस्वामी कह रहे सर आप लाइव कब आते हो? अभी तो लाइव हूं ना हरनारायण, ये क्लास लाइव चल रही है बेटा, ठीक है। आगे चले बेटा, आगे चलते हैं। चलो, द टर्म चेरी पिकिंग इज यूज इन विच स्पोर्ट। यहां पर एक फिगर बना हुआ है, अगर आप इस फिगर से समझ लो तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन नहीं समझ पाओ तो कोई बात नहीं। बताओ चेरी पिकिंग का मतलब क्या होता है? बचपन में हमारे स्कूल में, नवोदय विद्यालय में हमने ये बहुत गेम खेला है, और ये चेरी पिकर मैं ही हुआ करता था। अब ये चेरी पिकर क्या होता है? चेरी पिकर का मतलब वो व्यक्ति जो और प्लेयर्स के साथ में नहीं खेलता है, बल्कि कहाँ खड़ा होता है? अपोजिट टीम के गोल के साइड में, ताकि ये व्यक्ति इन ये जो आपस में लड़ रहे हैं कि इनमें से एक कोई फ्री होके बॉल को किसको पास कर दे? इसको पास कर दे, और ये सीधे सीधे क्या कर दे? गोल कर दे। इसे क्या कहते हैं? इसे चेरी पिकिंग कहा जाता है। और ये कहां यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है बास्केटबॉल में। किसमें यूज किया जाता है? बास्केटबॉल में, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज और बताओ, मैंने सुबह के कल के सेशन में बताया था बैंड योर बैग, कल बताया था कि नहीं बताया था? देखते कितने बच्चों को याद है। बैंड योर बैग किस खेल में यूज किया जाता है, किस स्पोर्ट्स में बैंड योर बैग नामक वर्ड्स यूज किया जाता है? हाँ, निशु कुमार बहुत खेले हैं,
सर वेरी नाइस आई एम हैप्पी विद योर लाइव क्लास थैंक यू मनोज आई एम टू हैप्पी हार्ट बड़ा वाला हार्ट ठीक है ना तुम्हारे लिए चलो तो भाई क्रिकेट बेंड योर बैक कहां यूज किया जाता है बेंड योर बैक यूज किया जाता है कहां पर क्रिकेट में ठीक कहां पर क्रिकेट में एक और वर्ड है ब्लीडर मैंने आपको बताया था ब्लीडर क्या होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी चोटिल हो जाता है एक मुक्का मार दिया तुरंत रोने लग गया कि भैया हमको नहीं खेलना मैं घर जाना है मम्मी हमको बुला रही है That is called bleeder. Bleeder का मतलब आसानी से चोटिल होने वाला खिलाड़ी और ये कहां पे यूज किया जाता है ये बॉक्सिंग में यूज किया जाता है कहां पे यूज किया जाता है बॉक्सिंग में यूज किया जाता है ठीक है आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर इज ओविपोरस आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जो ओविपोरस है ओविपोरस का मतलब जो अंडे देता है बताइए फटाक से पानी कहाँ है पानी ले लें भाई ये बहुत तगड़ी प्यास है हाँ डेली क्लास होगी बेटा डेली क्लास के लिए आप दो चीजें फॉलो करो हर नारायण सबसे पहले तो अन एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो बेटा अन एकेडमी का ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको क्लासेस चलेंगी स्पेशल क्लास जिसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और दूसरी जो क्लास चलेगी वो यहीं पे चलेगी ठीक है बिल्कुल सही है बच्चों ने सही आंसर दिया है देखो एक क्वेश्चन दोपहर में पूछा गया था कि फ्रॉन्ग जो फ्रॉग है वो किस किंगडम से बिलोंग करता है किस किंगडम से फ्रॉग बिलोंग करता है तो एन्यूरा से बिलोंग करता है ये याद रखेंगे और फ्रॉग इसका सही आंसर है फ्रॉग क्या करता है एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन करता है आपने देखा होगा जब जब बरसात होती है तो मेंढक टर्र टर्र करते हैं अब ये जो मेंढक जो है वो टर्र टर्र क्यों करते हैं वो टर्र टर्र इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी मादा फ्रॉग को बुलाते हैं कि भाई आ जाइए और जो है प्रजनन किया जाए तो भाई यहाँ पे होता क्या है कि मादा जो फ्रॉग होता है वो एग को अपने वाटर में छोड़ देता है और फीमेल जो फ्रॉग होता है जो मेल फ्रॉग होता है वो स्पर्म को वाटर में छोड़ देता है दोनों मिल जाते हैं और मिलके क्या बना लेते हैं जाइगोट बना लेते हैं ठीक है तो आपको याद रखना है कि जो फ्रॉग होता है वो एक्चुअली में एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन करता है ठीक है याद रखेंगे एक क्वेश्चन मैं और पूछ लेता हूं कि आप मुझे बताइए एक ऐसे सांप का नाम बताइए जो ओविपोरस होता है मोस्टली जो सांप होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं वो ओविपोरस होते हैं लेकिन एक जो सांप है वो ऐसा होता है जो ओविपोरस नहीं होता है नॉट बताइए ऐसा कौन सा सांप है जो ओविपोरस नहीं होता है और उस सांप का नाम है नाग नाग बोले तो किंग कोबरा अंडे नहीं देता बच्चे देता है याद रखेंगे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो सांप होते हैं वो कभी भी दूध नहीं पीते हैं क्यों नहीं पीते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में रेनिन नामक एंजाइम निकलता ही नहीं है और अगर रेनिन नामक एंजाइम निकलता नहीं है तो वो कभी भी दूध नहीं पीते हैं ठीक है आगे चलें आगे चलते हैं टर्र टर्र क्यों करते हैं टर्र टर्र इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी फीमेल पार्टनर को बुलाते हैं ठीक है राइट आंसर क्या बनेगा फ्रॉग आंसर सही बन जाएगा खरगोश एक ऐसा जीव है जो अपने मल को दोबारा खा लेता है अपने ही मल को दोबारा खा लेता है क्यों करता है ऐसा क्योंकि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करना चाहता है किसको सेलुलोज को डाइजेस्ट करना चाहता है और ऐसा वो क्यों करता है क्योंकि रैबिट का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो काफी छोटी होती है लेंथ इसकी काफी कम होती है नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ रेनिन नहीं होता बिल्कुल सही है द एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द अर्थ हीट ऑफ द अर्थ मतलब आपको बताना है उस ऊर्जा का नाम ये तान्या कह रही सर जो सपेरे आते हैं वो तो पिलवाते हैं बिल्कुल सही कह रही तान्या तो सपेरे गलत करते हैं अगर आप सपेरे के द्वारा लाया गया जो नाग है उसे आप दूध पिलाते तो कुछ दिन के बाद उसे निमोनिया हो जाएगा ठीक है ना निमोनिया हो जाएगा और निमोनिया होकर वो मर जाएगा तो कभी भी सांप को दूध नहीं पिलाना नहीं तो वो मर जाएगा आपके ऊपर जीव हत्या चढ़ेगी कभी मत पिलाना ठीक है जियोथर्मल एनर्जी इज द राइट आंसर जियोथर्मल एनर्जी मुझे बताइए बायोगैस में कौन सी गैस होती है बायोगैस में कौन सी गैस होती है इस गैस को और क्या क्या नामों से जाना जाता है हाँ स्नेक तो पीता है स्नेक इसलिए पीता है क्योंकि उसे बहुत दिन भूखा रखा जाता है प्यासा रखा जाता है इसलिए पी लेता है
तो अगर मैं गैस की बात करूं दैट इज सी एच फोर, इसे मीथेन गैस कहते हैं और इसे मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स क्यों कहते हैं? क्योंकि दलदली स्थानों पर पाई जाती है। सीएनजी में जो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, जो आजकल गाड़ियां चलने लगी सीएनजी में, उसमें प्रमुख रूप से कौन सी गैस होती है? यही गैस होती है, दैट इज सी एच फोर, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और गोबर में भी यही गैस पाई जाती है, गोबर गैस के जो प्लांट होते हैं उनमें यही गैस निकलती है। तो खाना पकाने के लिए भी हम इसी गैस का उपयोग करते हैं, लेकिन बदबू फिर नहीं आती है क्योंकि दिस इज अ कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 24 इन इंडिया जनवरी 24 इज ऑब्जर्व एज विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। आपको बताना है कि 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। फटाफट कमेंट करिए, 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, नेशनल डे ऑफ एल्डरली, नेशनल एग्रीकल्चर डे और नेशनल फार्मर डे। बताओ आंसर क्या है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, सही लिख रहे हैं, गुड बेटा। देखो बेटा, 24 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, सही, ये सही लिख रहे हैं एकदम। अब आगे चलते हैं, बाकी दिनों के बारे में भी बात कर लेते हैं। किसान दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, किसान दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। कृषि दिवस, नेशनल कृषि दिवस मनाया जाता है कब? 14 मार्च को मनाया जाता है, 14 मार्च को मनाया जाता है। और एल्डरली डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, 10 अक्टूबर, 14 मार्च और 23 सितंबर, तीनों डेटें याद रखेंगे। सर मेरा आंसर नहीं देखते हो? बेटा आंसर तो मैं किसी का नहीं देख पाता हूं जल्दबाजी में, क्योंकि बहुत तेज वो ऊपर नीचे जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए माफ करिएगा। बाकी मैं तुम्हारा देख लिया हूं ऋषभ, मैं देखूंगा अब तुमको स्पेशली देख लिया करूंगा, ठीक है। चलो, Which economist give the theory of opportunity cost? किस अर्थशास्त्री ने विकल्प के लागत का सिद्धांत दिया था? देखो बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? विकल्प लागत। विकल्प लागत का मतलब जैसे कि आप जो है खरीदने गए हो, कौन सा मोबाइल आपने खरीदने गए थे? सैमसंग का मोबाइल, लेकिन वहां पे देखा कि दूसरा मोबाइल रखा हुआ है रेडमी का मोबाइल, आपको लगा कि इसमें तो ज्यादा स्पेसिफिकेशन है, इसमें तो बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, तो आपने रेडमी का मोबाइल खरीद लिया। लेकिन अगर रेडमी का मोबाइल नहीं खरीदते तो आपकी दूसरी पसंद कौन सी थी? सैमसंग का मोबाइल। तो जो लागत आपकी दूसरी पसंद की होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, समझ में आ गया। और ये किसने दिया था? ये दिया था गॉटफ्राइड हेबलर ने, ठीक है, गॉटफ्राइड हेबलर, आपको पता नहीं होगा बट फिर भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द समर सोलस्टिक 2019 इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल बी अकर ऑन। समर सोलस्टिक का मतलब है कि भाई उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति 2019 में किस दिन होती है? इसे बड़ा दिन भी कह सकते हैं, सबसे बड़ा दिन है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। बताइए फटाफट, आंसर आने लगा है, बहुत बढ़िया, ओ बहुत ही बढ़िया, राइट आंसर क्या बनेगा? 21 जून इसका सही उत्तर बनेगा। कब होता है? 21 जून को होता है। देखो इसी तरीके से, एक मिनट, अरे यस, तो अगर मैं दक्षिणी गोलार्ध की बात करूं, इसे कहते हैं साउदर्न विंटर सोलस्टिक, साउदर्न विंटर सोलस्टिक। बताओ फटाक से ये कब होता है, फटाफट बताइए। साउदर्न विंटर, तो ये जो होता है ये कब होता है? ये होता है 22 दिसंबर को, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विजय हरारे वॉज अ फेमस इंडियन प्लेयर एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट ऑफ। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही तुच्छा क्वेश्चन है, आंसर करो इसका। बताइए फटाफट। यस, आंसर आने लगा। राइट 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 राइट। देखो विजय हरारे एक ट्रॉफी भी होती है, आपको पता है, बिल्कुल पता है आपको। कौन सा आंसर बनेगा? क्रिकेट इज द राइट आंसर। ठीक है, क्रिकेट इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज और बताना है यहाँ पे कि भाई सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर का नाम क्या है? वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेट प्लेयर का नाम क्या है? कल के दिन मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, कल की शाम की क्लास में मैंने ये क्वेश्चन पुट किया था। सर टुच्चा क्या था? टुच्चा मतलब बहुत आसान, बहुत इजी, ठीक है, बहुत निचला। तो राइट आंसर क्या बनेगा? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following wrote the book A History of the Sikh? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से History of the Sikh बुक किसने लिखी है? फटाफट आंसर बताइए। Yes, History of the Sikh बुक किसने लिखी है? देखो भाई, सबसे पहले अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम की बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है पिंजर। हमेशा याद रखना, अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ी है तो एक बार मेरी रिकमेंडेशन से ये बुक जरूर पढ़ के आना। ठीक है, जरूर पढ़ के आना। आगे चलते हैं, अमृता प्रीतम की पिंजर हो गई। भाई बीर सिंह की एक बुक है जिसका नाम है सतवंत कौर, ये बुक है। राइट आंसर इसका है खुशवंत सिंह। ठीक है, खुशवंत सिंह की एक बुक है अ ट्रेन टू पाकिस्तान, ये भी बुक इन्हीं की है। 14 का बी 100%, बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर, बी इसका 100% सही आंसर। ठीक है, आगे चले, क्या लिख रहे हैं और बच्चे? ये खुशवंत सिंह सही आंसर है, हर नारायण गोस्वामी, ऋषभ, राजकुमार, नीशु, रजक, सभी लोग आंसर सही है, अनामिका, सभी का आंसर सही है, खुशवंत सिंह इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नियरेस्ट टू द सन? ये तो बता दोगे आप, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ये तो आप बता दोगे, लेकिन क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं होगा, क्वेश्चन जो है वो यहां पर खत्म नहीं होगा। तीसरे वाले की बुक है एडवांस बुक ऑन रिलीजियस स्टडी, एक बच्चा पूछ रहा है सर तीसरे वाले की बुक बता दो। लो इसको भी बता देते हैं, एडवांस बुक ऑन रिलीजियस स्टडी, ये इनकी बुक है। ठीक है, चलो तो अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नियरेस्ट टू द सन, सन के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? राइट आंसर बनेगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। राइट आंसर क्या बनेगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि बेटलग्यूज जो तारा है ये इस किस कॉन्स्टिलेशन में आता है? फटाफट बताएंगे किस तारा मंडल में ये आता है बेटलग्यूज, इसी बेटलग्यूज में आता है, इसी तारा मंडल में आता है रिगेल, जो कि सबसे चमकीला तारा है। ये क्वेश्चन भी मैंने कल की क्लास में करवाया, बल्कि आज की क्लास में भी करवाया। यस, तो बेटलग्यूज किस में आता है? हंटर में आता है, हंटर कॉन्स्टिलेशन में इसका नाम आता है, हंटर कॉन्स्टिलेशन में इसका नाम आता है। ठीक है, इसे ओरियन भी कहते हैं। आगे चलते हैं, है ना, सीरियस को कहते हैं द डॉग करके भी नाम इसका रखा जाता है, डॉग स्टार भी कहते हैं, सीरियस को डॉग स्टार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉग स्टार। आगे चलते हैं, डेनेक, डेनेक के बारे में कोई इंपॉर्टेंट चीज है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, डेनेक जो है जिससे बिलोंग करता है उसे कहते हैं सिग्नस द स्टार। ठीक है, सिग्नस द स्वान इस कॉन्स्टिलेशन से बिलोंग करता है। सबसे दूर की कोई वो नहीं है बेटा, अंतरिक्ष अनलिमिटेड है, तो सबसे दूर तो आप मत पूछो। द ब्राइटेस्ट कॉन्स्टेलेशन में स्टार है रिगेल। ठीक है बेटा, तान्या, जॉर्बी कल्चर वॉज अ
कैल्कोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ फेथ। देखो जॉर्बिस जो है वो कब का है, ताम्र पाषाण युग का है। ताम्र पाषाण युग का जो साइट है दैट इज जॉर्बे कल्चर। और जॉर्बे जो कल्चर है ये इतनी पुरानी साइट एक्चुअली में किससे रिलेटेड है, किस स्टेट में ये पाई गई है, ये लगभग 2100 ईसा पूर्व की बात चल रही है, 1100 ईसा पूर्व की चल रही है, मतलब काफी पुरानी साइट है। तो ये है जिस राज्य में, उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। थर्ड इज द राइट आंसर। ऋषभ कुमार ने आंसर सही दिया है, पवन रजक ने आंसर सही दिया है, ठीक है। हंटर 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 राइट राइट राइट। अब मुझे थोड़ा महाराष्ट्र के बारे में बताइए जरा। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। अगर महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो यहाँ एलिफेंटा की गुफाएं भी हैं। महाराष्ट्र के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ लोनावला भी है। इसके साथ साथ में यहाँ के सीएम का नाम क्या है, उद्धव ठाकरे। यहाँ का एक लोकनृत्य है जिसका नाम है लावणी, बहुत इंपॉर्टेंट लोकनृत्य है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। ये महाराष्ट्र को लेकर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एक जगह है पुणे, पुणे में की एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिनका नाम है सावित्री बाई फुले, जो कि पुणे से रिलेटेड थी। पहली जो ट्रेन थी वो कहाँ से कहाँ तक चली है, थाने से पुणे की तरफ चली है, ये भी महाराष्ट्र से रिलेटेड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो कहां से रिलेटेड है, महाराष्ट्र से रिलेटेड है। इसके साथ में तदोवा नेशनल पार्क भी कहां का है, महाराष्ट्र का है, जैसा कि लिख रहे हैं निशु कुमार। और नवेगांव नेशनल पार्क भी कहां का है, महाराष्ट्र का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। लाठी नृत्य भी कहां का है, महाराष्ट्र का है। और बानखड़ी स्टेडियम भी कहां का है, महाराष्ट्र का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was named as the chief executive officer of International Cricket Council in January 2019? तो जनवरी 2019 में आईसीसी का सीईओ किसे बनाया गया है? देखो आईसीसी का सबसे पहले तो पूछ लिया जाता है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दुबई में है। याद रखेंगे सभी लोग, कहाँ पे है, दुबई में। पहली इंपॉर्टेंट चीज। एक और इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है कि आईसीसी जो है, इसी तरह बीसीसीआई है, भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर कहां पे, मुंबई में है, ठीक है। इसके जो है अध्यक्ष कौन है, अभी चेयरमैन कौन बने हैं, तो सौरभ गांगुली हैं। सेक्रेटरी कौन है, जैसा है। आईसीसी की अगर हम बात करें तो मनु साहनी को बनाया गया है आईसीसी का सीईओ। इसके पहले मनु साहनी जुड़े हुए थे ESPN, ये एक चैनल है जिस पर क्रिकेट न्यूज आती है, बहुत सारी न्यूज आती है, ESPN से ये जुड़े हुए थे और इसके सीईओ थे, ठीक है। याद रखेंगे सभी लोग, आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। यह सौरभ गांगुली हैं बीसीसीआई के, बिल्कुल सही है, एकदम सही लिख रहे हैं। आपको पता है कि विश्व का सबसे, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि विश्व का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड कौन सा है, बताओ जरा। विश्व का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड कहाँ का है, पाकिस्तान का है, ऑस्ट्रेलिया का है, इंग्लैंड का है, न्यूजीलैंड का है, भारत का है, कहाँ का है, या फिर आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड। यस, महाराष्ट्र में काला घोड़ा उत्सव मनाया जाता है, बहुत ही बढ़िया। ये किसने लिखा है बेटा, रवि कमल ने लिखा है, बहुत अच्छा बेटा, ये नई चीज ने लिखी है क्योंकि किसी बच्चे ने अभी ये तक ये नहीं बताया, बहुत ही अच्छा। यस, तो सबसे क्रिकेट बोर्ड जो है वो कहाँ का है, वो बीसीसीआई का है, भारत का है। बहुत महंगा क्रिकेट बोर्ड है और इसीलिए पूरे विश्व के लोग आईपीएल खेलने आते हैं, क्योंकि इनको इतना पैसा दिया जाता है, इतना पैसा दिया जाता है कि इनकी बहुत ज्यादा पैसा मिलता है आईपीएल में, और इसीलिए सबसे ज्यादा जो है रिच बोर्ड बन गया है बीसीसीआई। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड, इनमें से कौन सी बर्ड विश्व में सबसे छोटी है, कितनी छोटी है, इसका वजन मात्र 2 ग्राम है, ये मधुमक्खी से बस थोड़ी सी ही छोटी है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये 1 सेकंड में 50 से 80 बार अपने पंख फड़फड़ा लेती है, बहुत तेज जो है उड़ती है, इतना तेज उड़ती है कि इसके पंख देखना लगभग नामुमकिन है। अब मुझे बता दो एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये बर्ड जो है वो आगे और पीछे एक साथ उड़ सकती है, ये चीज भी इसमें यूनिक है। किसकी बात हो रही है, राइट आंसर बनेगा बी हमिंग बर्ड इज द राइट आंसर, बी हमिंग बर्ड इज द राइट आंसर, क्लियर है। हाँ, एनिमिलिया प्रजाति, बिल्कुल सही है। बोलो समझ में आ रहा है बी हमिंग बर्ड।
आगे चले, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मराफाती सॉन्ग आर ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग ऑफ, आपको बताना है कि जो मराफाती है वो कहां का ट्रेडिशनल सॉन्ग है। फटाफट आंसर करो, मराफाती, मराफाती, ये आंसर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि पहला आंसर है। मजा तो आएगा अभी आपको, मजा तो भरपूर देंगे हम, मजा देने के लिए तो बैठे हैं। समझ रहे हैं? ओके बेटा, देखो पहला आंसर नहीं है, 19 का सही आंसर है, 19 का सही आंसर है सेकंड वाला, बांग्लादेश। मराफाती सॉन्ग जो है वो बांग्लादेश का सॉन्ग है, ठीक है, मरा बांग्लादेश इज द राइट आंसर। किसी ने भी इसका आंसर अभी तक सही नहीं लिखा है। अफगान जलेबी, बहुत बढ़िया। अब भैया लाइक वाइक नहीं करोगे क्या है? आज का, आज की जिंदगी सुन जाने वाली है मेरी, लगता है लाइक वाइक नहीं करोगे, बस एक बार लाइक कर दो आप, उसके बाद हम बड़े चैन से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। आपने अगर लाइक कर दिया बड़ा उद्धार हो जाएगा आपका। चलो तो अगर हम बेटा बात करें कहाँ का है ये, बांग्लादेश का है। बांग्लादेश के बारे में ऑलरेडी हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, इतना डिस्कस कर चुके हैं कि अब इसके बारे में और कुछ डिस्कस करने की इच्छा नहीं हो रही है। हम बात दूसरे देश के बारे में कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? चलो पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। जरा मुझे लिखिए पाकिस्तान के बारे में कि आपको पाकिस्तान के बारे में क्या क्या चीजें पता है, ये मत लिखने लगना। अच्छा तान्या करी, सर पाकिस्तान के बारे में नहीं जानना, चलो पाकिस्तान के बारे में नहीं जानते, हटा देते हैं। चलो नेपाल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, चलो बताओ नेपाल के बारे में, बताइए नेपाल के बारे में, ठीक है तान्या आप खुश। चलो तो नेपाल के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखो नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, पहली इंपॉर्टेंट चीज। नेपाल में दो नदियां हैं, कौन कौन सी नदी है? एक तो है गंडक और दूसरी कौन सी है? कोसी। कोसी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। गंडक नदी भी यहीं की है। एक 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 बड़ा नेशनल पार्क है जो बिहार से लेकर नेपाल तक चला जाता है, इसका नाम क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। और क्या क्या है यहाँ पे? चितवन नेशनल पार्क भी है। और क्या क्या है यहाँ पे? गंडक नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। इसके बारे में आगे चलते हैं। अगर मैं नेपाल की बात करूं तो नेपाल एक हिंदू राज्य है। कौन सा राज्य है? हिंदू राज्य है। यहाँ का नेशनल एनिमल क्या है? नेशनल एनिमल है गाय, काउ, काउ इज अ नेशनल एनिमल ऑफ नेपाल। क्लियर है, आगे चलते हैं। और बताओ मुझे यहाँ की राजधानी क्या है? काठमांडू है। अब काठमांडू से मुझे याद आया कि काठमांडू में एक बहुत बड़ा फेमस फेस्टिवल, फेमस जो है टेम्पल है, इस टेम्पल का नाम क्या है? इस टेम्पल का नाम है पशुपतिनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल को बसाया किसने था? एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तो पृथ्वी नारायण शाह। कौन? पृथ्वी नारायण शाह यहाँ के पहले राजा थे जिन्होंने नेपाल को बसाया हुआ था। यहाँ पे एक नाच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? क्या नाच है इसका? काद्यान नाच। काद्यान नाच यहाँ का एक फेमस डांस है जो यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है, ठीक है। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि नेपाल का, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? नेपाल के राष्ट्रीय खेल कितना है? तो वॉलीबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। ऑफिशियल रूप में वॉलीबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। नेपाल में कुल कितने प्रांत है? एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, तो नेपाल में कुल कितने प्रांत है? नेपाल में 7 प्रांत है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया है, ठीक है। यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया है। ओके ठीक है, कुछ बच गया? और साहब जी जो कुछ बच गया है साहब जी वो आप लिख लेना साहब जी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टर्म ऑफ द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्राम पंचायत? आपको बताना है कि अगर कोई व्यक्ति प्रधान बन जाता है या ग्राम पंचायत का सदस्य बन जाता है तो वो कितने साल तक रहेगा? प्रांत की इंग्लिश है, प्रांत मतलब कितने स्टेट है वहां पे, ठीक है, कितने वहां पर स्टेट है? हाँ साहब जी, चलो तो बीच में की अगर हम बात करें तो कितने साल तक रहता है? वो 5 साल तक रहता है, ये बात सही है। अब मुझे एक चीज और बताओ बेटा, पंचायती राज, पंचायती राज के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जो कुछ पता है आपको सब कुछ लिख दो, ठीक है, जो कुछ पता है आपको पंचायती राज के बारे में फटाफट सब कुछ लिखते जाइए, फटाफट लिखते जाइए। पंचायती राज को लेकर मुझे याद आ रहा है, बड़ा सा बल्ब जल रहा है 100 वाट का मेरे दिमाग में, कि
मास्टर साहब ने बताया था कि इसके लिए एक बड़ी समिति बनाई गई थी, एक नहीं बल्कि दो समिति बनाई गई थी। कौन कौन सी समिति बनाई गई थी? तो पंचायती राज को लेकर बनाई गई थी बलवंत राय मेहता समिति, और दूसरी समिति कौन सी बनाई गई थी? तो वो थी अशोक मेहता समिति। तो दो समिति का उल्लेख किया जाता है, पंचायती राज समिति और बलवंत राय मेहता समिति, दोनों समिति इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले हुआ कहां पे स्टार्ट था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की स्थापना होती है, ये भी एकदम क्लियर है। अब मुझे कोई बच्चा ये बताएगा कि पंचायती राज को लेकर आर्टिकल कौन सा है, एक तो आर्टिकल बताना है और कौन से शेड्यूल में इसका वर्णन किया गया है, कौन सा शेड्यूल है और कौन सा आर्टिकल है। Okay. बिल्कुल 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 सही लिख रहा हूं बेटा, यस आर्टिकल 243 बिल्कुल सही लिखते हैं। आर्टिकल 243 इज द 243 है 343 है, यस शेड्यूल तो सही बताया है, शेड्यूल तो संतोष ने सही बताया है। सही है, शेड्यूल सही है, शेड्यूल 11 है, एकदम सही है, सूची 11 है, ठीक है। 243 भी सही लिखा है, आप सही लिखा है 243, इसमें इसका वर्णन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया है? विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया है? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अंश चेन, लुई पाशर या रॉबर्ट कोच, सभी के बारे में लिखना है, एक चीज से काम नहीं चलेगा, सबके बारे में लिखना है। किस चीज का शेड्यूल है बेटा? अनुसूची होती है ना, आप पॉलिटी में पढ़ोगे तो अनुसूचियां आती हैं, अलग अलग अनुसूची में अलग अलग चीजों के बारे में लिखा हुआ है ना। तो अगर मैं पेनिसिलिन की बात करूं तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, यस किसने? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। आगे हम बात कर लेते हैं रॉबर्ट कोच की, अगर हम बात करें बेटा तो रॉबर्ट कोच कौन है? रॉबर्ट कोच वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक टीके की खोज की है। किसके टीके की खोज की है? कोई मुझे बच्चा बताएगा रॉबर्ट कोच ने किसके टीके की खोज की है? लुई पाश्चर के बारे में बात कर लेते हैं। लुई पाश्चर ने मुख्य रूप से पाश्चराइजेशन की खोज की है, जिससे बहुत सारी दवाएं बनना स्टार्ट हो गई थी, बहुत सारी दवाएं बनना जो है वो स्टार्ट हो गई थी। समझ रहे समझ रहे? तो पेनिसिलिन समझ में आ गया, ठीक है। किस देश के अलेक्जेंडर? ये तो मुझे नहीं पता यार, अलेक्जेंडर मुझे इतना डिटेल में नहीं पता इनके बारे में अभी। लुई पाश्चर कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स रॉबर्ट कोच सही है, यस आंट्स को नोबेल प्राइज मिला है फिजियोलॉजी के लिए, बिल्कुल सही लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाब दे दिया है, ठीक है। Which of the following acid is present in the ant bites? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करिए। हाँ, रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, राइबोसोम की खोज पैलेडे ने की थी, है ना, सब कुछ सब कुछ। गुड इवनिंग राजीव यादव। तो देखो दोस्त, मैलिक एसिड पाया जाता है सेब में, नाइट्रिक एसिड किसी में नहीं पाया जाता, परलुकोलिक एसिड किसी में नहीं पाया जाता, अब बचा फॉर्मिक एसिड एंड दिस इज द राइट आंसर। चींटियों में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, क्लियर है। अब मुझे एक चीज और बताना बेटा कि सोडा वाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? सोडा वाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? बोलो आंसर क्या बनेगा? सोडा वाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? फटाफट कमेंट करिए, नाम लो सर, नाम ले लेते हैं, धर्मेंद्र कुमार सिंह नाम ले लिया, ठीक है। अब धर्मेंद्र जी जरा फटाफट जो है वो शोले की तरह
टंकी पे चढ़ जाइए और फटाफट सही आंसर दीजिए। यस, तो सोडा वाटर में पाया जाता है कौन सा एसिड? किसी ने सही आंसर नहीं दिया है। कार्बोनिक एसिड, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, कौन सा एसिड पाया जाता है? कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, आगे चले, बिल्कुल सही है। सब गलत सल लिख रहे हो, कुछ भी लिखे चले जा रहे हो, है ना, कुछ भी जो मन में आया वो लिख दिया। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द प्रोविजन फॉर द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों की बात करता है? यस, पर मस्ती कह रहे हैं, फर्स्ट आई एम वॉचिंग योर वीडियो सर। कैसे लग रहे हैं वीडियोस? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मस्ती हो रही है कि नहीं हो रही है? चलो बेटा देखो, हम भारत के प्रेसिडेंट की बात कर लेते, तो पहली चीज तो यही है कि अभी प्रेसिडेंट हैं कौन? तो कमलनाथ, सॉरी रामनाथ कोविंद अभी यहाँ के प्रेसिडेंट है भारत। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, बिल्कुल सही है, यहां तक भी बात समझ में आती है। प्रेसिडेंट के बारे में उल्लेख कहां, किस आर्टिकल में किया गया है? तो प्रेसिडेंट के बारे में सबसे पहले उल्लेख किया गया है आर्टिकल 52 में, 52 में इसका उल्लेख किया गया है। अगर मैं आर्टिकल 54 की बात करूं तो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करता है आर्टिकल 54। वहीं पर शपथ के बारे में जो 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 भी प्रेसिडेंट होगा वो शपथ लेगा, इसके बारे में आर्टिकल कौन सा बात करता है? आर्टिकल 60 बात करता है। आगे चलो, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं कि अगर मैं कहूं कि राष्ट्रपति के पास कुछ आपातकालीन शक्तियां होती हैं, इन आपातकालीन शक्तियों में तीन आर्टिकल हैं। एक में राज्य में आपातकाल लगाया जाता है, एक जो है वो राष्ट्र में आपातकाल लगाया जाता है, देश में आपातकाल लगाया जाता है, और तीसरा जो है वो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अगर मैं कहूं कि किस आर्टिकल में इसके इंपीचमेंट के बारे में कहा गया है, तो आर्टिकल 61 इज द राइट आंसर। 61 में राष्ट्रपति के इंपीचमेंट के बारे में बात की गई है। अगर मैं कहूं कि किस आर्टिकल में आपातकालीन शक्तियां हैं, तो 352, 356 और 360, ये राष्ट्रीय आपातकाल है। ये आपातकाल कौन सा है? ये आपातकाल है हमारा राज्य का, और ये आपातकाल कौन सा है? ये आपातकाल है हमारा वित्तीय आपातकाल। इन तीनों आपातकालों में कौन सा आपातकाल कभी नहीं लगाया गया? कौन सा नहीं लगाया गया? 360 आपातकाल कभी नहीं लगाया गया। 1952 में ऐसी दशा बनी थी, ऐसी कंडीशंस बन गई थी जिसमें लगाने की जो है कोशिश तो हो रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके लोगों ने, सॉरी मनमोहन सिंह ने उसको उबार लिया। आर्टिकल 52 लगाया जा चुका है, पाकिस्तान के युद्ध में लगाया गया है, चाइना के साथ युद्ध में लगाया गया है। आर्टिकल 56 हमेशा हर साल लगा दिया जाता है कहीं ना कहीं पे, तो आपको तीनों याद रखने पड़ेंगे। आगे चलते हैं, तो ये था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 23, दो क्वेश्चन नहीं थे। तो 23 में अगर आपके 15 प्लस क्वेश्चन सही हैं, तो फिर आप इस पेपर में टॉप करने वाले थे, क्योंकि ये पेपर एक मॉडरेट लेवल का पेपर था। ठीक है, प्राची मैम, आज प्राची जी है वो काफी देर में आई हैं। बताइए आंसर क्या बनेगा। ओके, यस, सिद्धांत के 17 क्वेश्चन सही है, बहुत बढ़िया बेटा। अपने अपने स्कोर लिख दो एक बार फटाक से, फिर हम स्टैटिक राउंड को सही करते हैं। 24 राइट थे, बहुत बढ़िया। चलो देखो, सर मेरा एक भी सही नहीं हुआ, कोई बात नहीं धर्मेंद्र, डेली देखना पड़ेगा। एलिफेंटा की ऐतिहासिक स्थल पर गुफा मंदिर किस देवता को समर्पित है? टू विच डायटी आर द केव टेम्पल एट द हिस्टोरिक साइट ऑफ एलिफेंटा? आपको बताना है कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है बेटा कि एलिफेंटा की गुफाएं हैं कहां पे? ये महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में ये किस देवताओं को समर्पित की गई हैं? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये इनवैलिड एक्टिविटी ने सबसे पहले सही आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। किसको समर्पित की गई है? ये शिव भगवान को समर्पित की गई है। कहां पे है? महाराष्ट्र में है। अब मुझे जरा बताना बेटा कि महाराष्ट्र में एक कुछ गुफाएं और भी हैं, अजंता की गुफाएं,
बताओ जरा अजंता की गुफाएं जो है वो किस देवता को समर्पित है? फटाफट कमेंट करेंगे। अजंता की गुफाएं भी हैं महाराष्ट्र में, अजंता एलोरा दोनों हैं, लेकिन अजंता की अगर मैं बात करूं तो अजंता की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं? तो ये भगवान भगवान बुद्ध को समर्पित हैं। किसको समर्पित हैं? भगवान बुद्ध को समर्पित हैं, ठीक है। या अब एलोरा की बात कर लें कि एलोरा की गुफाएं किसको समर्पित हैं? तो ये भगवान शिव को समर्पित, ठीक है। और कामदेव जी के लिए कोई गुफाएं हैं? बिल्कुल हैं, खजुराहो के टेंपल हैं, ये जैन मंदिर हैं, ये जैन मंदिर हैं, याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। चलो एक एक मंदिर बताइए जो विष्णु भगवान को समर्पित है और ये विश्व का सबसे अमीर मंदिर है। विश्व का सबसे अमीर मंदिर जो किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है, बताओ फटाफट। हाँ, सिर्फ भोजन योजना यहाँ पे स्टार्ट हुई है, सही लिख रहे हैं, कौन लिख रहा है? ये रवि कमल लिख रहा है, बिल्कुल सही बेटा, बहुत बढ़िया।